निशा, क्या आप खुश हो? मैं समझ सकता हूँ आप क्या फील कर रहे हो। निशा, आज हमारी शादी हुई है और ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, और ये रिश्ता हम तभी निभा सकते हैं जब हम दोनों खुश हों। निशा, ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ एक रिवाज है, और ये रिवाज तभी पूरे होते हैं जब हम दोनों के दिल एक साथ जुड़े हों। निशा, मुझे लगता है हमें अपने रिश्ते को कुछ समय देना चाहिए, हमें कुछ टाइम साथ बिताना चाहिए, वो भी एक दोस्त की तरह, जिससे हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। तो आप बताओ, आप इस दोस्त के साथ कहाँ चलना पसंद करोगे? ऋषिकेश चलें। ऋषिकेश? क्यों नहीं? पर सच में आपको ऋषिकेश जाना है? आप तो वहीं पले बड़े हो। हाँ, मुझे वहाँ की बहुत याद आती है। ठीक है, जैसा आप कहो। मैं कुछ ही दिनों में उसकी बुकिंग करा देता हूँ, फिर साथ चलते हैं ऋषिकेश। ठीक है, आप एक काम करो, आप आराम कर लो, आप थक गए होगे। ठीक है, निशा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, थोड़ा लेट हो रहा है। आप शाम तक सारा सामान पैक कर लेना, हम आज निकल रहे हैं ना। ठीक है। तुमसे वेट नहीं हुआ ना, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें कोई देख लेगा तो? सुंदर लग रही हो। तुम नहीं सुधरोगे ना। मैं ऋषिकेश आ तो रही थी, तुम क्यों आए यहाँ? तुम्हें देखने का मन कर रहा था मेरा, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं आ गया। तुम भी ना इतना प्यार करते हो मुझसे। भाई, तो मैं सोचूं, तुम इतनी सुंदर भी तो नहीं हो, पागल सी तो हो। पागल सी और मैं? हाँ। तो तुम्हें मैं बताती हूँ। निशा, आज आपकी फेस से पहली बार सुनने दिख रही हूँ, ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छे लगते हो आप।
रखो टूटे ना सजना, ये जन्मों का साथ है देखो छूटे ना सजना। तेरे आंचल के झांके तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई, तेरी पलकों के छांव के तले मोहब्बत मुझे मिल गई। ये हंसी वादियाँ खुलासों आ गए हम कहाँ है मेरे साजन। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, ओ आँखों की गुस्ताखियाँ। चोख पुराओ माटी रगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाओ जो खुशी रे जताओ जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। एरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी, निकलेगी आज मोरे पी की लक्ष्मी जवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे। चोख पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे। सुनिए। हाँ जी। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, उसने मुझे यहाँ पे देखा होगा तो मिलने के लिए बुलाया है। क्या मैं चले जाऊँ? ठीक है, मैं साहब 5 मिनट रुको, मैं नहा के आया हूँ, तो चलते साथ में। अरे नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे, आप खामो खाम वहाँ पे बोर हो जाओगे, तो मैं जाके आ जाती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके। चोख पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे। वापस भी जाना है, करण वेट कर रहा होगा। ये इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? इतने दिनों बाद तुम साथ हैं, पुराने दिनों की तरह। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, शायद जो हुआ वैसा ना होता तो हम साथ रहते। निशा आज भी साथ ही हैं।
निशा हम भी करें? नहीं करें। क्यों, क्या हुआ? चलो करते हैं। ठीक, मैं दिया लेके आता। एक सेकेंड, निशा, निशा आप खा नहीं रहे? क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है क्या? सब ठीक है? क्या हुआ, सब ठीक है? तुम पागल हो क्या? अगर करण देख लेता तो? रोहन, मैं तुम्हारे लिए यहां तक चली आई। मैं प्यार करती हूं तुमसे। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं तुम्हारे बिना। दम घुटता है मेरा यहां पे। परेशान हो गई हूं नाटक करते करते। प्लीज रोहन, मुझे अपने साथ ले चलो। निशा, मैं तुम्हें यहां साथ ले जाने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें बस ये समझाने आया हूं कि करण तुम्हें मुझसे कई गुना ज्यादा प्यार करता है। जो खुशियां तुम मेरे साथ महसूस करती हो, वो खुशियां वो तुम्हें दे सकता है। मैं आज भी तुम्हीं से प्यार करती हूँ, तभी तो ऋषिकेश चली आई तुमसे मिलने। निशा, मेरी बात तो सुनो। हम ये गलत कर रहे हैं। मेरी बात सुनो तुम। हम दोनों अगर आज साथ नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारा प्यार खत्म हो गया। हुआ क्या है? सुबह तक तो सब ठीक था। जो सपने हमने साथ मिलकर देखे थे, वो अब तुम्हें करण के साथ पूरे करने हैं। नहीं रोहन, मैं प्यार तुमसे करती हूँ। चाहे ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। निशा, ये कौन है? निशा, निशा सब ठीक है? आर यू ऑल राइट?
पानी। तुम ठीक हो? मैं अभी आती हूँ। जो सपने हमने साथ मिलकर देखे थे वो अब तुम्हें करण के साथ पूरे करने हैं। निशा, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ। आलू के पराठे? हाँ, वो एक्चुअली आपकी मम्मी से मेरी बात हुई थी सुबह, तो उन्होंने मुझे बताया आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने बस। आपने मम्मी को कुछ बताया तो नहीं? अरे नहीं निशा, सपने में डरना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा आप एक काम करो, आप ब्रेकफास्ट करो और रेडी हो जाओ, मुझे आपको ना कहीं लेके चलना है। अरे बस वो पहाड़ दिख रहा है वहाँ, चले वहाँ तक चलूंगी तो मर जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे मर जाओगी, तुम्हें तो गोद में उठा के लेके चलूंगा, चलो। निशा चले। कुछ फर्क पड़ा? बहुत दर्द हो रहा है। तो एक काम करते हैं, आप शुरू पहनो, एक बार चलने का ट्राई करेंगे। चल सुनो, एक काम करते हैं वापस चलते हैं। नहीं मुझे वहाँ पे जाना है। निशा हमें बहुत ऊपर जाना है, तुम पक्का चल लोगी? हाँ हाँ मैं चल जाऊँगी। ना दिल को किसी की खबर, निशा मैं जानता हूं हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है, हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आपको मैंने कभी खुश नहीं देखा। जब मैं घर पे आया था आपके, आपको देखने के लिए, आपने तब भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं निशा, आपने ये शादी किसी दबाव में आके तो नहीं की? ऐसे मत बोलिए आप, मैं खुश हूँ। तो आप हमेशा उदास क्यों रहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी थोड़ी तबीयत खराब रहती है। आपको मुझे बताना चाहिए था, हम डॉक्टर के पास चलते। नहीं नहीं निशा,
मेरी जिंदगी में आज तक कभी कोई लड़की नहीं आई, और मैं हमेशा से यही सोचता था कि जो भी मेरी वाइफ होगी मैं उसे हमेशा प्यार करूंगा। और मैं आपको पसंद करता हूं निशा, इनफैक्ट मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं। ये बात मैं आपको शादी के रात बोलना चाहता था पर कह नहीं पाया, पर आज कह रहा हूं मैं निशा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू निशा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू निशा, आई लव यू निशा, आई लव यू। आपको अगर कुछ हो जाता तो मुझे अकेले मत छोड़ना, मैं अकेले नहीं रह सकती। तूने जो वादे किए थे वो निभाने हैं तुझे, करण से जो फासले हैं वो मिटाने हैं तुझे। मैं रुका था यहाँ तुझे सही राह दिखाने के लिए, और हाँ शुक्रिया तेरा मेरा साथ निभाने के लिए। तुमसे वेट नहीं हुआ ना, तुम यहाँ क्यों आए, तुम कोई देख लेगा तो। तुझे प्यार किया था और करता रहूंगा, तू खुश रहे ये दुआ मैं रब से स्वर्ग में करता रहूंगा।